वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी, धन बाबा दीप सिंह जी। अमेरिका दियां संगतां, खास करके न्यूयॉर्क दियां संगतां, ये बेनती नूं ध्यान नाल सुनन और वध तों वध अगे तों अगे शेयर करन। दास 2 फरवरी तो 18 फरवरी तक न्यूयॉर्क गुरद्वारा बाबा दीप सिंह जी शहीदां साहिब, उस गुरद्वारा साहिब विखे पहुँच रहा है। पूरा एड्रैस तुहाडे टीवी स्क्रीन दे उत्ते नाल नाल चल रहा है। ये मेरी बेनती, रोज़ाना 2 तरीक तो रात को 7 बजे तो 9 बजे तक कीर्तन समागम होया करेंगे और 2 तो 18 फरवरी के बीच तकरीबन 3 एतवार आएंगे। 3 एतवार असी 12 तो 6 बजे तक चुपहरा जपतप समागम करांगे इस स्थान पर। मैं सारिया संगतों को बेनती करदा, कीर्तन दीवाना विच भी हुम हुमा के सारे ने दर्शन देने, चुपहरिया विच भी हुम हुमा के पहुँचना। और सबनू पता है किवें चुपहरिया विच गुरु रामदास बाबा दीप सिंह जी अपनियां बख्शिशां वरता रहे ने। तुसी चुपहरे कटदे हो, बाबा दीप सिंह जी तुहाडे दुखां नूं कटदे ने। ते भागां वाले हो, ये जो मौका सानू मिल रहा है 2 फरवरी तो 18 फरवरी तक कथा कीर्तन दे दीवान अटेंड करन दा, ते मेरी बेनती वखीरां कत के पहुँचो। बेशक ठंड दा मौसम है, पर ठंड दी परवाह ना करो। जिन्हां दे अंदर प्रेम होवे उह ठंड दी परवाह नहीं करदे। और सारिया ने जरूरी तो जरूरी रुझेवियां नूं छड के इत्थे पहुँचन की कृपालता करनी। जे ठंड महसूस होण लगे ना, तो माता गुजरी जी नूं, छोटे साहबजादियां नूं याद कर लियो, फिर इह ठंड तुहानूं लगेगी नहीं। और जिन्ने भी तुहाडे रिश्तेदार उधर रहिंदे ने अमेरिका वल, भावें उन्हां नूं फ्लाइटां करके क्यों ना आना पवे, किवें भी हाजरियां भरन वास्ते पहुँचियो जरूर। जिहड़े जिहड़े तुसीं रोज़ सुणदे हो 3 तों 4 या रातीं 10 तों 11 PTC सिमरन के माध्यम राहीं, जिहड़े जिहड़े परिवारक मैंबर बने हो, ये सुभाग समा असीं सारे रल मिल के गुरु जी के गुण गावांगे, एक दूजे दे नाल दिल दीआं गल्लां करांगे, एक दूजे दे नाल विचारां करांगे। ये पिता जी ने समा बख्शिश कीता, भुल्लिओ ना। 2 फरवरी तो 18 फरवरी तक गुरद्वारा शहीदा बाबा दीप सिंह जी का स्थान न्यूयॉर्क विखे जो बने हैं, फिर मैं दोहरा रहा, टीवी स्क्रीन के उत्ते पूरा एड्रैस चल रहा। आप जिया ने इस अस्थान पर परिवार समेत रोज़ाना दर्शन देने की कृपालता करनी। कैनेडा दिया जड़िया संगतं ने तुसी सुनते हो रोज़, ये 2 घंटे की वो तो वो फ्लाइट होएगी तुहाडे लई, आओ जरूर दर्शन दिओ। जिहड़े तुहाडे अमरीका दे विच दूर दूर भी रहिंदे हो, 2-3 घंटे की फ्लाइट हो जाएगी, बेशक भावें परवाह ना करो, पर आपां सारिआं ने एक दूजे नाल बैठना भी है, मिलना भी है, और गुरु दीआं गल्लां बातां असीं सारिआं ने रल मिल के करनियां। ये मैसेज नूं वध तों वध शेयर करिओ। और ये सारा प्रोग्राम साडा जिहड़ा यूट्यूब चैनल है भाई अमनदीप सिंह जी ऑफिशियल चैनल, उहदे उत्ते रोज़ाना ही लाइव दिखाया जाएगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी, धन बाबा दीप सिंह जी, सतसंग जी, जरूरी बेनती सुनियो भी, शेयर भी करो और इनू मनियो भी जरूर। दास की पहली किताब सबनों पता है आई सी सबे जी संभाल अपनी मेहर कर, उस तो बाद पिता जी ने कृपा की ये दूसरी किताब साजनो तू मीत मेरा, तीसरी किताब आई प्रेरणादायक अनमोल बचन, और चौथी किताब कुदरत के सब बंदे। ये 4 किताबां बापू जी ने लिखवाइया सेवा लई। और इन्हां किताबां दा इको एक मोटिव सी मेरे लिखण दा कि जिहड़ा भी ये किताबां नूं पढ़े वो पक्का गुरु घर दे नाल जुड़ जावे और उन्हूं इन्ना जो अंदर उहदे शरदा दा खाना उच्चा हो जाए कि भावें उहदे सामने कोई सोने दा भी बन के आ जाए, उन्हूं दूरों मत्था टेके बई गुरु होएगा अपने घर होएगा राजी रहो, पर मेरे लिए मेरा सतगुरु गुरु रामदास है, गुरु नानक है, कलगियां वाला गुरु ग्रंथ साहिब है। तो ये किताबां जदों संगत दे रूबरू असी कीतियां और इन्ना संगतां ने लाभ लिया, ये जिहड़ा प्रेरणादायक अनमोल बचन, इत्थों तक सानू संगतां दे सुनेहे आने शुरू होए कि जदों असी कोई भी बचन पढ़ते हैं इदां लगता जिवें साडे बाबत ही गल हो रही है। ये मेरी बेनती है, 4 किताबां ने। इस तों इलावा ये जिहड़ी चिप है जिहदे विच गुरमंत्र दा जाप है, मूल मंत्र दा जाप जो असी कीर्तन विच रोज़ जाप करते हैं, धन गुरु रामदास जी मैं तेरा, धन बाबा दीप सिंह जी मैं तेरा, ये भी जाप है। और इस तों इलावा ये पेन ड्राइव है, 4th वॉल्यूम है पेन ड्राइव का, जो 40 दिनों का अमृत वेले का समागम होया सी, इहदे विच 40 दिनों के अमृत वेलियां के समागमां के कीर्तन ने, तकरीबन 75-80 घंटे का कीर्तन ये मौजूद है। मैं जिहड़ी गल तुहाडे नाल करन लगा कि जदों भी तुहाडे घरां दे विच
कोई खुशी का प्रोग्राम आए जिथे मठियाइया वंटते हो जिथे होर चीज़ा वंटते हो उत्थे गुरमत दियां किताबां जरूर वंडिया करो ता जो सिखी का प्रचार होर फैले। ये जड़ियाँ चिप्पां तुसी वेखियां धन गुरु रामदास जी मैं तेरा बाबा दीप सिंह जी मैं तेरा अपने हर कमरे दे विच ये चिप जरूर लगाओ ता जो तुहाडे कमरियां दी वाइब्रेशन गुरु घर नाल जुड़न वाली बने घरां चों कला कलेश निकले। और ये सारियां चीज़ां मंगवाउण दे लई टी वी स्क्रीन दे उत्ते नंबर चल रहा है 9875909004। ये नंबर दे उत्ते तुसी संपर्क करके चिप्पां भी भावें पेन ड्राइव भी ते भावें किताबां भी ये सारियां चीज़ां तुसी मंगवा सकते हो। पर भुलना नहीं जदों भी कोई खुशी का दिन आवे मठियाइयां दे नाल नाल आ चीज़ां गुरु घर नाल जुड़न ते जोड़न वालियां जरूर वंडो ता जो तुहाडे बच्चियां नूं होर बरकत गुरु रामदास पाउण ता जो होर सिक्खी घर घर दे विच फैले। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह। Oh.
ਜੀ ਅਨੰਦ ਬਿਨੋਦੀ ਜੀ ਜਪ ਜਪ ਸੱਚੀ ਵੇਲਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਜੀ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ अज गुरु गोबिंद सिंह साई का गुरपुरब एक दूजे नूं वधाइयां भी देना और सुनियो मेरी बेनती एक दूजे नूं वधाइयां भी देना और गुरु पिता जी नूं भी वधाइयां देना हैं जी गुरु पिता जी नूं भी गुरु तेग बहादुर साहब बापू जी नूं भी वधाइयां देना माता गुजरी जी नूं भी वधाइयां देना और बापू जी दे आगमन पुरब ते वड्डी भावना बनायो वड्डी पता केड़ी भावना गुरु गोबिंद सिंह साहब दे उत्ते रब वर्गी भावना आखो वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी रब वर्गी भावना जे रब वर्गी भावना नहीं ना बनावांगे फिर असी बड़ी पिछे हैं बहुत पिछे बड़ी पिछे हैं आपां फिर सच्चाई है साडे तो कई गुणा अगे लंघ जाएगा पीर भीखण शाह हुण तुहानू सबनू पता है मुसलमान धर्म दे विच पछम वाले पासे सजदा करदे ने हिंदू वीर पूरब वाले पासे सजदा करदे नमस्कार करदे सिख हर पासे ही उहनू वेख के जिधर मर्जी करदा सजदा हर पासे ही चलो हर एक धर्म दा अपना अपना असूल है हुण अज पीर भीखण शाह रोज़ ते करदा है
पछम वाले पासे सजदा पर अज पूरब वाले पासे मत्थे टेकी जांदा है। नमाज पढ़न तो बाद सजदे उधर करी जांदा है। जिन्ने चेले ने वो मन च सोचते शायद अज पीर जी नूं ना भुलेखा लग गया, भुलेखा पछम की जगह पूरब वाले पासे सजदा करी जा रहे, अज लगता उन्होंने भुलेखा लग गया। इबादत का टाइम, नमाज का टाइम उदों तो कुछ नहीं आखिया, पर जदों समाप्ति कीती ते उस वेले सारे चेले पता की कहिंदे, कहन लगे पीर जी लगदा भुलेखा लग गया, तुसी रोज पछम वाले पासे सजदा करदे अज पूरब वाले पासे क्यों? ते पीर भीखण शाह ने एक गल कही सी, कहन लगे मैनू भुलेखा नहीं लगा। कहिंदे जी फिर पछम की जगह पूरब वाले पासे क्यों सजदा करदे हो? कहिंदे मैनू भुलेखा नहीं लगा, वो तुहानू मैं की दसा, जिस अल्लाह नू मैं रोज पछम वाले पासे सजदे करके याद करना, नमाज अदा करना, अज उस खुदा ने पूरब वाले पासे पटना साहब की धरती ते अवतार धारण कर लिया। बोले सोने हाल श्री अकाल, जिन्हू मैं रोज पछम वाले पासे झुक के याद करदा ना, अज वो पूरब वाले पासे आया। तई प्रकाश हमारा पटना शहर बिखे, तो फिर सारे चेले कहिंदे जी फिर सानू भी दर्शन कराओ। तो तुहानू पता है जदों आए कई दिनों का पेंडा तय करके जी बाल दे दर्शन करने ने, मामा कृपाल चंद जी, मां गुजरी जी, वो कहिंदे नहीं असी दर्शन नहीं करा सकते, ये शरदा नाल आया सी, भावना नाल। कहिंदा जब तक दर्शन नहीं कराओगे मैं अन्न दा दाणा पानी दा घुट भी मूँह नहीं लाउणा, दर्शन कराओ। तो सच्ची गल ए, जिदे अंदर प्रेम होवे ना, प्रेम दे अग्गे फिर गुरु पिता झुक जांदे ने। गुरु नूं कोई दुनिया की ताकत फड़ नहीं सकती, पर प्रेम वाला गुरु नूं काबू च कर लेंदा है। साच कहो सुन लियो, सबे जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। है जी, गल ते प्रेम दी है। कीर्तन करदा है प्रेम च कर, कोई सुर बेसुर कोई चक्कर नहीं, गल चक्कर ते प्रेम दा है जी। तू किन्ना सिखिया ये कोई मैने नहीं रखती गल, तेरे अंदर प्रेम किन्ना मैने ते आ रखती है गल। तू जोड़े झाड़दा घंटा घंटा, दो दो घंटे जोड़े झाड़ रहे हैं, चंगी गल, पर गुरु ने ते अंदरला प्रेम देखना है, दिखावे वास्ते झड़दा है कि सच्ची मुची प्रेम की लगन लगी तां झड़दा है जी। वो ते प्रेम दा भुखा है, प्रेम दा गोबिंद भाओ भगत दा भुखा, वो ते प्रेम दा भुखा है, तेरी भावना दा भुखा है जी। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार नाल सारे आखो ने जी, धन बाबा दीप सिंह, धन बाबा दीप सिंह। फिर ये दो कुजियां ले आए सी जदों उन्होंने बेनती प्रवान की, मामा जी ने भी मां जी ने भी, कई प्यार वाले ने लिखे, एक कुजी विच पानी सी दूजे विच दुध सी, कई ने मिश्री लिखे। चलो दो कुजियां अगे कीतियां महाराज के दर्शन करके, चरणा ते नमस्कार करके, जदों कुजियां अगे कीतियां ना ते अंदर ही सवाल सी, ते महाराज बाल गोबिंद राय, नाम उदों गोबिंद राय सी, पर साडा मालक गुरु गोबिंद सिंह साहिब। हुण महाराज ने ना अंगड़ाई लई, ते अंगड़ाई लैके ना दोनों कुजियां दे उत्ते हथ रख दिते। जदों दोनों कुजियां ते हथ रखे ना, पीर भीखण शाह बड़े प्रसन्न होए, कहिंदे मेरी तसली हो गई। कहिंदे जी गल समझ नहीं आई, चेले कहिंदे कहिंदे मैं रमज का सवाल किया सी, रमज का तुसी हिंदुआ दे हो कि मुसलमाना दे, ते उस वेले कहिंदे मैनू मेरे अंदरले सवाल का जवाब मिल गया, इन्होंने दोवें कुजियां दे उत्ते हाथ धर दिता है, मैनू जवाब दे दिता है कि ये सब दे सांझे पीर ने। सब दे सांझे पीर ने, सांझे सांझे। वेखो सच्ची गल सांझे ने ना, पीर भीखण शाह वर्गे मुसलमान भी झुकदे ने, भाई नंद लाल वर्गे हिंदुआ ने भी मन वेचिया होया है जी।
गनी खां नबी खां महाराज नूं भी सजदे करदे ने। ते प्यारे ओ सच्चाई है, सच्चाई सच्चाई। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी दे उत्तों जाना वारण दे लई तैयार ने पीर बुद्धू शाह वर्गे भी। है जी आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार न लखो न जी धन बाबा दीप सिंह, फिर आखो धन बाबा दीप सिंह जी। ओदी भावना की सी पीर भीखण शाह दी, रब ने अल्लाह ने अल्लाह। और तुसी भी यह तगड़ी भावना बनाए, अज गुरपुरब है ना महाराज का वड्डी मंग, और जदों समाप्ति होनी है ना अरदास च शामिल होना है, आ तरले पायो उस वेले पूरे, जिथे दुनियावी दातां लई तरले पाउंदे हो ना उत्थे आ भी तरले पा के जायो। महाराज साडी भावना तुहाडे उत्ते रब वर्गी बन जाए कि तुसी रब हो, रब। कई कहिंदे जी गुरु गोबिंद सिंह साहिब ने कहा जो हमको परमेश्वर उचरे ते सब नरक कुंड में परखे, जिहड़ा सानू परमेश्वर कहेगा नरकां नू जाएगा। वो प्यारे वे ते लकीर खिची महाराज ने, लकीर लकीर। हुण महाराज ने ते अपने आप नू मूर्ख भी किया, किते बेताला भी किया, किते भूतना भी किया, किते नीच भी किया, किते हराम खोर भी किया, असी कह सकते दसो? ये महाराज की निम्रता है, निम्रता। ते बाबा ईश्वर सिंह जी बचन करते सी, ये ते महाराज ने लकीर खिची लकीर। वेखदे आ नरकां दे डर तो किहड़ा सानू परमेश्वर कहण तो पिछे हटदा है। ओही गुरु गोबिंद सिंह कहिंदे जिहड़ा सानू परमेश्वर कहेगा नरकां च जाएगा। ते ओही गुरु गोबिंद सिंह साहिब कहिंदे ए बिद करत तपस्या भयो द्वैते एक रूप होए गए, मेरे च ते परमेश्वर च फर्क ही कोई नहीं। दसो केड़ी गल मनोगे फिर? एक पासे कहिंदे मैं परमेश्वर बन गया, मेरे च परमेश्वर च फर्क नहीं। दूजे पासे कहिंदे जिहड़ा परमेश्वर कहेगा नरकां च जाएगा। ये की है? इत्थे निमाणापन विखाया। ते बाबा ईश्वर सिंह जी बचन करदे सी, महाराज ने ते लकीर खिची। वेखदे आ किहड़ा नरकां दे डर तों सानू परमेश्वर कहण तों पिछे हटदा है। खिक ते हथ मार के कहिंदे सी, कहिंदे लखां वारी करोड़ां वारी असी गुरु गोबिंद सिंह नू परमेश्वर कहांगे। कहिंदे वध तों वध नरक मिल जाणगे, वध तों वध नरक मिल जाणगे जे मन लईए, वध तों वध नरक मिल जाणगे ना। कहिंदे जे नरकां च जाके भी एक बारी कह देंगे ना धन गुरु गोबिंद सिंह साहब, कहिंदे उत्थे ही सारे नरक ठंडे पै जाणगे। बोले सो रखनी दिमाग ते। हुण तुसी सियाणे हो, भाई नंद लाल जी दसो नरकां च गए होणगे? भाई नंद लाल जी जिन्हां ने गुरु गोबिंद सिंह जी नूं रब करके पूजिया, हक हक अगाह गुरु गोबिंद सिंह, शाहे शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह है जी। इत्थों तक बचन कीते, कहिंदे परमेश्वर दा दिल कीता मैं शीशे च अपना मूंह वेखां मैं किहो जिहा लगना। हक हक आईना गुरु गोबिंद सिंह, कहिंदे परमेश्वर दा दिल कीता मैं शीशे च अपना चेहरा देखा मैं किहो जिहा लगदा। ते कहिंदे उन्हां ने फिर गुरु गोबिंद सिंह दा रूप धारण कर लिया। दसो भाई नंद लाल जी नरकां च गए होणगे? पीर बुद्धू शाह जिन्हां ने अपना सारा कुछ ही गुरु तों लुटा दिता, की नरकां च गए होणगे? इह ते महाराज दी निम्रता है, निमाणापन ने डट डट के परमेश्वर कहना। और गुरु दी बाणी तों पुछो जी गुरु वखरा परमेश्वर वखरा? महाराज कहिंदे नहीं, हर आराध ना जाना रे हर हर गुर गुर करता रे। ओ हरी वखरा गुरु वखरा कहना है? ओ भोलिया ध्यान नाल वेख हर जियो नाम परयो रामदास। हरी ने अपना नाम वटा के गुरु रामदास रख लिया। हरी गुरु रामदास च फर्क नहीं, ते गुरु रामदास ते गुरु गोबिंद सिंह जी च फर्क थोड़ी है, ओही ने ना। नानक सोधे सिमरत बेद पार ब्रह्म गुर नाही भेद। परमेश्वर ने गुरु गोबिंद सिंह साहब उन्हां दे उत्ते आ वड्डी भावना जो बनाउणी आ, खो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास। किहो जी भावना बनाउणी? भाई नंद लाल साहब जी दे प्यारे मिठड़े बोल सारे पढ़ियो, कोई रसना वांझी ना रहे। मेरी बेनती एक बारी पुछ लां, चढ़दी कला च हो? सत श्री अकाल। कोई थकिया ते नहीं? हां मैं 9 बजे आया स्टेज पर गुरु जी की मेहर नाल। जदों मैं 9 बजे पहुँचया
ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ 8:15 ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹਿਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਧੰਨੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2:15 ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਰਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਮਰਨੋ ਜੀਆਂ ਕਹਿਣਾ, ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.25 ਘੰਟਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਅਤੇ ਆਹ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ, ਘਰ 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਨਾ 4-4 ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਵਿਆਹ ਹੈ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, 4-4 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ, 4-4 ਦਿਨ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੱਕ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਪੈ ਜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਬਸ 15-20 ਮਿੰਟ ਲਈ, 1/2 ਘੰਟੇ ਲਈ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੱਲ ਸਰੀਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਬਾਕੀ 4-4, 5-5 ਦਿਨ ਵੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ, ਲੜਕੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡੀ ਹੁੰਦੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਨੇੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਹੈਂਜੀ, ਮਾਫ਼ੀ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਹ ਸਿਹਤ ਯਾਬੀ ਦੇਣ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੇ ਕਈ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ, ਕਈ ਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ੀ, ਕਈ ਉੱਦਾਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਵੇਖਾ ਵੇਖੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਓ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਸਭ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਮੇਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅਰਦਾਸ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਪੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖਾ ਵੇਖੀ ਬਹਿ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿਹਤ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਲੱਕ ਲੁੱਕ ਦੁੱਖਦਾ, ਦੁੱਖੇ ਹੀ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਹੈਂਜੀ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਦਰਦ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੱਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਨੀਂਦ ਨੂੰਦ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਪਰੇ ਕਰ ਦਿਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨੂੰ, ਬਈ ਆਈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ ਨਾ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਂ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਹ ਕਾਇਮ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਔਰ ਦਾਤਾਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨੀਂਦ ਸਾਡੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜੇ, ਆਪਾਂ ਦਾਤਾਂ ਬਾਪੂ ਕੋਲੋਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ। ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅੱਜ ਮੰਗ ਮੰਗਣੀ, ਬਾਪੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੋੜਨਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਨਾ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਆਂ ਨਾ, ਹੁਣੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਜੇ ਮੈਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਾਂ, ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਿਲੇਗਾ, 5-5 ਲੱਖ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਇੱਦਾਂ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ 5 ਲੱਖ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਹੈਂਜੀ 5 ਲੱਖ। ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਉਹ ਨਾ ਵਟਸਐਪ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਓ, 5 ਲੱਖ ਮਿਲਣਾ ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਤੇ ਸਿਹਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਢਿੱਲੀ ਮਿੱਠੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਭੱਜਦਾ ਹੀ ਆਏਗਾ, 5 ਲੱਖ ਮਿਲਣਾ, ਹੈਂਜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, 5 ਲੱਖ ਮਿਲਣਾ ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਲੱਖ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਕੀ ਮਾੜਾ, ਸਭ ਆ ਜਾਣਗੇ ਭੱਜੇ। ਬਸ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਮਾਇੰਡ 'ਚ ਰੱਖੋ, 5 ਲੱਖ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਣਤੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਮੈਨੂੰ ਏਡਾ ਭਰੋਸਾ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਆਮ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਵੰਡਦਾ, ਅੱਜ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ, ਏਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੀ ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ ਭਰੇਗਾ ਇਕੱਲੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੋਰੇਗਾ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਓ ਹੁਣ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਠੜੇ ਬੋਲ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ 'ਚ ਬੋਲਿਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਮੰਜੀ ਨਾ ਰਹੇ ਜੀ, 5 ਲੱਖ ਮਿਲਣਾ ਜੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ,
पिता मेरो पिता मेरो बड़ो तने अगमा उस्तत कमन करी जय करते पेख रहे बिस्मा जोगी अंदर जोगिया बोलो जोगी अंदर जोगिया तू पोगी अंदर पोगिया तेरा अंत न पाया स्वर्ग मच पाया जियो हवारी हवारण कुर्बान तेरे नाम नो कुर्बान तेरे नाम नो तन तन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी 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 वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गज के वाहे गुरु जिथे जिथे जगह मिले सब जुड़ जाओ गुरु एक बेनती करा गुरु एक बारी बोलो वाहेगुरु वाहेगुरु एक बेनती ध्यान नाल सुनो वेखो किड्डे तगड़े सानू हुण बोनस मिल रहे ने बोनस सुनियो एक गुरु पिता जी की हजूरी दूजा संगत की हजूरी संगत दे दर्शन है जी तीसरा प्यारे ओ धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी दे आगमन का समा भी दो वी दा नेड़े नेड़े आ रहा है जी अगला वड्डा बोनस अमृत वेला भी शुरू हो चुके है जी आखो धन गुरु रामदास जी गुरु रामदास जिहड़े कहिंदे ना अमृत वेले उठिया नहीं जांदा अमृत वेला भी प्रारंभ हो गया देखो किड्डियां वड्डियां बख्शिशां सानू इस वेले मिल रही ने कठियां बख्शिशां इन्हां नू हुण सांभण वाले बने हो अमृत वेले दी अंदर भावना लिया के गुरु गोबिंद सिंह साहब दे आगमन की भावना लिया के एक मिनट चौंकड़े मारो ते जुड़ियो प्यार विच वाहे गुरु 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 वाहे और रुचि वाहे और रुचि वाहे वाहे गुरु 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 वाहे आवाज भी ओदा आवे और उची गुरु वाहे 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 गुरु वाह गुरु वाह सारी दुनिया के शहनशाहों से तेरी तस्वीर अच्छी है भाई नंदलाल जी
सारी दुनिया के शहनशाहों से तेरी तस्वीर अच्छी है। मिला तुझसा मुर्शद मुझे मेरी तकदीर अच्छी है। शाहे शहनशाह शाहे शहनशाह शाहे शहनशाह शाहे शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह गुरु गोबिंद सिंह गुरु गोबिंद सिंह गुरु गोबिंद सिंह शाहे शहनशाह शाहे शहनशाह शाहे शहनशाह शहनशाह शाहे शहनशाह शाहे शहनशाह शाहे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी धन बाबा दीप सिंह जी सतसंग जी जदों भी अमृतसर साहब आओ जिनी वारी भी आओ एक बारी जरूर बाबा दीप सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट दाताबंदी छोड़ पब्लिक स्कूल राम तीर्थ रोड विखे चरण पा के जाओ और अपनियां अखां दे नाल आके वेखो किवें इत्थे सेवावां दा कुंभ चल रहा। इत्थे प्यारिओ दाताबंदी छोड़ पब्लिक स्कूल चल रहा जिस स्कूल दे विच बच्चियां नूं दोवें तरह की पढ़ाई गुरमत की पढ़ाई भी और दुनियावी पढ़ाई भी करवाई जा रही। CBSE स्कूल है और बिल्कुल नॉर्मल जी फीसा बच्चों को लिया जाए ने। इस तो इलावा इस जगह के उत्ते बाबा दीप सिंह हैल्थ केयर चैरिटेबल हस्पताल चल रहे हैं जिस हस्पताल दे विच 20 रुपए की पर्ची दे विच 2 दिन की दवाई और जिन्ने भी इलाज ने इको छत थले हो रहे हैं दंदा के इलाज अखा के इलाज अल्ट्रासाउंड एक्सरे और इस तो इलावा बच्चियां दे स्पैशलिस्ट डॉक्टर इत्थे बैठते हैं स्किन दे स्पैशलिस्ट डॉक्टर इत्थे बैठते हैं और जिन्ने भी इलाज ने इको छत दे थले बिल्कुल लागत मुल दे नाल हो रहे और अपनियां अखां नाल आ के वेखो किवें तुहाडे किणके किणके दे नाल गुरु बाबा नानक जी की रसोई चल रही जिस रसोई दे राही तकरीबन 2500 तो भी वध प्रेमी रोज़ प्रशादा छकते हैं। इस तो इलावा गुरु बाबा नानक जी की चलती फिरती रसोई जिस रसोई दे राही रोजाना कदी किते कदी किते जिथे जिथे भी लोड़ हुंदी है उस गड्डी दे राही प्रशादा पानी तैयार करके लोड़मंद थावां ते पहुँचाया जाता है। इस स्थान के उत्ते बाबा दीप सिंह फ्री टिफन सेवा चल रही जिस सेवा दे राही वह बजुर्ग जिन्ना बजुर्गों नूं बच्चियां ने घरों कढ दिता असी जिहड़े सुणदे आ रोज़ असी इहो जी गलती नहीं करनी पर जिन्हां ने अणजाण पुणे दे विच गलती कीती अपने बजुर्गों नूं घरों कढ दिता प्यारे ओ खाण नूं उहनां दे कोल कुछ नहीं इत्थों तक छत भी नहीं कईआं दे कोल उहनां दे घरां दे विच दुपहर दे वेले टिफन विच पैक करके 2 वेले दा लंगर रोज़ पहुँचाया जांदा है और तुहाडे दित्ते दसवंध दे नाल प्यारे ओ हर महीने विधवा बीबियां नूं फ्री राशन देण दी सेवा भी हुंदी और इसे स्थान दे उत्ते बाबा दीप सिंह जी गुरमत ज्ञान संगीत अकैडमी चल रही जिस अकैडमी दे राही बच्चियां नूं गुरमत की सिक्ख्या तबले की सिखलाई कीर्तन की सिखलाई गुरबाणी की संथिया अमृत वेला संभालना संध्या का समा संभालना जीवन उच्चा सुचा किरदार उच्चा सुचा किवें करना यह सारी सिक्ख्या दिती जांदी और इस तों इलावा जो तुसी किणका किणका देंदे हो तुहाडे किणके किणके नाल बिल्कुल दूजा यूनिट बिल्कुल नाल ही राम तीर्थ रोड के बिल्कुल नाल ही दूसरा यूनिट जिथे जी दया परवान पार्क की उसारी चल रही TV स्क्रीन के उत्ते सारिया वो तस्वीर चल रही ने। यह जी दया परवान पार्क के जिथे पंछियों नूं दाणा पाउणा खाणा पाउणा यह कम होया करेगा उत्थे बीमार पंछियों के इलाज का हस्पताल भी इस जगह के उत्ते सरां की उसारी कि जदों भी संगतां बाहरों आउण दर्शन करन गुरु रामदास जी के घर के बाबा दीप सिंह जी के घर के ते संगतां इत्थे आ के रिहायश करन स्टेशन तो एयरपोर्ट तो संगतां दे आउण वास्ते इत्थे गड्डियां दा भी प्रबंध हो जाएगा जो गड्डियां तुहानू बाद विच दरबार साहब दर्शन करा के फिर इत्थे ले आया करनगियां इस राम ही बन रही। इस तों इलावा इसे स्थान ते
बाबा दीप सिंह साहब जी के नाम का वड्डा गुरु घर गुरद्वारा साहब भी और वड्डा दीवान हाल, जिस दीवान हाल के 8 to 10,000 संगत के प्रेमी बह सकन, एडा विशाल दीवान हाल उहदी भी कार सेवा प्रारंभ हो चुकी है। हुण मेरी निम्रता सहित बेनती सुनियो, यह जिनी भी कार सेवा चल रही है ये हो तुहाडे किणके किणके नाल दसवंध दे नाल रही है। और ये मेरी बेनती प्यारियो, कोई भी प्रेमी, कईयां दे मन दे अंदर भावना हुंदी है साडे बच्चे दा जन्मदिन या साडी मैरिज एनिवर्सरी है, असी एक दिन दी गुरु बाबा नानक जी दे रसोई दे विच लंगर दी सेवा लैनी। और इस तों इलावा जे तुहाडे मन दे विच ये उत्साह जागे कि असी जो बजुर्गों के लिए टिफिन की सेवा होंगी है, दो वेले का लंगर जाता टिफिन विच पैक हो के, कोई महीने की सेवा करनी चाहे एक परिवार की, जो आप जी महीने की सेवा भी अपनी झोली च पवा सकते हो। इस तों इलावा जिहड़े हर एतवार ते एतवार चुपहरा जप तप समागम होंगे ने, जां 27 तरीक नूं चुपहरा हुंदा, उहदे विच कोई लंगरां की सेवा करनी चाहे, तो इस तों इलावा प्यारियो जे तुहाडे मन दे विच आवे इत्थे सहज पाठां दा प्रवाह भी दिने रात चलदा है, तुहाडे मन च आवे कि असी खुशी दे विच कोई सहज पाठ करवाउणा है, तो सहज पाठ भी इस अस्थान ते असी जिहड़े प्रेमी ने उहनां दा करदे हां। मेरी बेनती है मोढे नाल मोढा जोड़ के साथ दिओ, और जिहड़ा बाबा दीप सिंह जी दा वड्डा दीवान हाल बन रहा है, मैं बेनती करदा आ रहा कि एक तेरी दी, दो तेरियां दी, पंज तेरियां दी, 1300 भावें 10 तेरियां, 100 तेरियां, जिन्नी गुरु ने तुहानू वित दित्ती है ना, ये सारे कार्ज करोड़ां दी लागत दे नाल जो बन रहे ने, ते ए उदों ही पॉसीबल ने सेवावां जदों तुसी पूरा सहयोग दोगे, भावें एक तेरी, दो तेरियां, 50 तेरियां, 100 तेरियां, जिन्नी गुरु ने तुहानू वित दित्ती, इस वेले आप जी फिर अपना दसवंध, क्योंकि कई बार असी दसवंध इहो जिहियां थावां ते भेजदे हां प्यारिओ जिथे अगे बड़े प्रबंध हुंदे ने, असलीयत दे विच दसवंध दित्ता उत्थे थाएं पैंदा जिथे सचमुच लोड़ है। अपनी अखां दे नाल आके वेखो और तुहानू बड़ी तसली होएगी, जदों वेखोगे साडा दित्ता किणका किणका सही टिकाणे लग रिहा, सही जगह दे उत्ते यूज़ हो रिहा। तो ये सारियां सेवावां तुसी टीवी स्क्रीन दे उत्ते अकाउंट डिटेलां चल रही ने, इन अकाउंटां दे विच सेवा पा के आप जी स्क्रीन दे उत्ते चल रहे नंबरां दे उत्ते संपर्क कर सकते हो कि असी इन्नी सेवा ट्रस्ट नूं पाई है, तां जो तुहानू समय सिर रसीद और सत्कार जो असी भेज सकीए। जरूरी बेनती, विदेश दीयां संगतां, इंडिया तो बाहर दीयां संगतां, बाबा दीप सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट हेठ चल रहे इन्हां कार्जां दे विच सहयोग दसवंध देण लई इन्हां नंबरां ते संपर्क कर सकदियां ने जी। अपनी सेवा तुसी सानू गूगल पे, पेटीएम, फोन पे भी कर सकदे, ओह नंबर भी तुहाडे टीवी स्क्रीन ते चल रहा है, 9815-9513-98150-89513। मेरी बेनती हर पल, हर घड़ी, हर एक कदम दे उत्ते तुहाडियां सीसां दी, तुहाडी बख्शीश दी लोड़ है, और मोढे नाल मोढा जोड़ के जदों तुसी साथ दोगे, जिहड़ा साडा मिशन है, आप सवरो परिवार सवारो समाज आपे ही सवर जाएगा। और जिहड़ा दूजा मिशन के घट तो घट 113 थावां दे उत्ते ये यूनिट खुलण, ये मिशन विच असी कामयाब हो जाएंगे, पर होवांगे उदों ही जदों तुसी पूरा अपने परिवारक मैंबरां दे वांग मोढे नाल मोढा जोड़ के साथ दोगे। ये मैसेज नूं वध तों वध शेयर कर देना जी, तां जो ये सेवावां दे कारज निरंतरताई दे नाल जारी रह सकन। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी, धन बाबा दीप सिंह जी, सत संगत जी, आप जी के चरणों में सुनिमर बेनती, हर एतवार ते एतवार दाताबंदी शोर पब्लिक स्कूल, बाबा दीप सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट, राम तीर्थ रोड, श्री अमृतसर साहब विखे चुपहरा जप तप समागम करवाया जाता है। और सारिया संगतां नूं भली भांत पता है, जदों संगतां भावना दे नाल, शरदा दे नाल गुरु पिता जी दी गोद दे विच बह के बाबा दीप सिंह जी दीयां वडियाईयां करदियां ने, और बाबा दीप सिंह जी दे चरणां दे विच हाजरियां भरदियां ने, गुरु पिता जी दी गोद विच बह के संगतां पंज पाठ जपजी साहब, दो पाठ चौपाई साहब, एक पाठ सुखमनी साहब, जदों संगतां मिल के प्यार नाल करदियां, चुपहरा कटदियां ने, जप तप समागम विच हाजरियां भरदियां ने, और बाबा दीप सिंह जी
फिर सारिया के बंधना कटते हैं। तुम चुपहरे कटते हो बाबा दीप सिंह जी थोड़ी गरीबी कटते हैं, तुम चुपहरे कटते हो बाबा दीप सिंह थोड़िया बीमारियां कटते हैं। मैं हजारां तुहानू प्रेमी इहोजे मिला सकदा जिहड़े हर ऐतवार ते ऐतवार जदों दे राम तीर्थ रोड आउणे शुरू होए ने किवें किवें बाबा दीप सिंह जी ने प्रतक हो के उहनां दे बंधन कट्टे ने। अगे असीं चुपहरा करदे सां महीने विच एक वारी, हर महीने की 27 तरीक नूं। हुण उह वी चुपहरा हुंदा है, 27 नूं वड्डा चुपहरा हुंदा है बाबा दीप सिंह जी दे आगमन पुरब दे संबंध च। पर 4 चुपहरे होर बापू दीप सिंह ने झोली च पाते, जिहड़ी अरदास अगे 5 महीने लग जाते। मान लो कोई प्रेमी कहता मैं 5 चुपहरे कट्टने ने, 5 महीनों च कट्टे जाते। हुण महीने के 5 चुपहरे कट्टे जाते हैं, उहो ही अरदास महीने के पूरी हो जाती गुरु जी की कृपा नाल। ये मेरी बेनती है प्यारिओ, हर ऐतवार को सवेरे तकरीबन 11 to 3:30 बजे तक ये चुपहरा जप तप समागम होंगे, क्योंकि मौसम हुण तब्दील हो गया, ठंड वध रही है। तो मेरी बेनती है किसी ने भी ऐतवार से ऐतवार आने तो गुरेज नहीं करना और वहीरा कत के पहुँचना। जे कि थोड़ी बहुती ठंड महसूस होवे ना तो साहबजादिया माता गुजर कौर जी को याद कर लियो, ठंड तुहानू लगेगी नहीं, ये मेरी गरंटी है। और हर ऐतवार को सवेरे तकरीबन 9:30 बीबी कौलां जी भलाई केंद्र तरन तारण रोड श्री अमृतसर साहब तो जो संगत शहर तो आदियां ने ज तरन तारण साहब वालों आदियां ने उन्हां दे राम तीर्थ रोड आने वास्ते बसां दा गड्डियां दा प्रबंध किया जाता, जिहड़ियां तुहानूं गड्डियां इत्थे लै भी आउंदियां ने और वापसी उत्थे छड्ड भी देंदियां ने। भुलना नहीं, हर ऐतवार नूं सवेरे 11 to 3:30 तक, 11 to 11:30 तक कथा हो जाया करेगी। सारे परिवारक मैंबर 10:30 लास्ट पहुँच जाया करो, पूरे चुपहरा जप तप समागम च हाजरी भरनी। 11 to 2:00 तक 5 पाठ जपजी साहब जी दे, 2 चौपई साहब जी दे नाल एक पाठ सुखमनी साहब जी का। उस तों बाद तकरीबन 2 to 3:15 तक दास कीर्तन की हाजरी, 3:30 तक पूरी समाप्ति हो जाया करेगी। आओ भागां वालिओ, बंधन कटवाउण दा समां, बापू दीप सिंह दीआं खुशियां लैण दा समां, कोई भी रह ना जायो। जिहदियां जिहदियां फाइलां अजे नहीं ना लगियां, चुपहरियां विच आ के अपनियां फाइलां बापू दीप सिंह दे चरणां दे विच, अर्जियां अपने बापू दीप सिंह दे चरणां दे विच लवाओ। बापू ने तुहाडी एक एक दी अर्जी कबूल कर लैणी है, ये मेरी पक्की गरंटी है। मैनूं पक्का विश्वास है अपने बाबा दीप सिंह जी दे उत्ते। ये जिहड़े भी चुपहरा जप तप समागम ने, ये साढ़े यूट्यूब चैनल भाई अमनदीप सिंह जी ऑफिशियल चैनल और फेसबुक पेज भाई अमनदीप सिंह बीबी कौलां वाले, ये दोवें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के उत्ते ये लाइव दिखाए जाते हैं। ये मैसेज को वध तो वध शेयर करो और हर ऐतवार आके राम तीर्थ रोड हाजरियां भरिया करो, बापू दीप सिंह दीआं खुशियां लिया करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। भाई अमनदीप सिंह जी नू आप जी सोशल मीडिया ते भी फॉलो कर सकते हो जी। भाई साहिब दे रोजाना दे समागमां दी जानकारी अते आप सवरो परिवार सवारो समाज आपे ही सवर जाएगा। इस प्रचार दा हिस्सा बनन दे लई आप जी 7274000061 इस नंबर ते अपना नाम अते अपने शहर दा नाम लिख के व्हाट्सएप करो अते ए नंबर भी अपने मोबाइल ते सेव करन दी कृपालता करो जी। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी, धन बाबा दीप सिंह जी, सतसंग जी, बेनती आप जी दे चरणों दे विच। दास दा बेटा हर सह सिंह और बेटी हर सिफत कौर दोवां ने यूट्यूब दे उत्ते चैनल बनाए ने, हर सह सिंह वलॉग्स ते हर सिफत कौर। मेरी बेनती ये दोवें चैनलों नूं सबसक्राइब भी करना और अगे शेयर भी करना। जिहड़े साडी फैमिली दे नाल जुड़ना चाहुंदे ने, परिवारक मैंबर बनना चाहुंदे ने, जरूर इस चैनल नूं सबसक्राइब करियो। दोवें चैनलों के उत्ते रोज़ बच्चे नवें नवें व्लॉग पाउंदे ने और संगतां बड़ियां असीसां दे रहीयां, बड़ा प्यार दे रहीयां ने। ये बेनती भुल्लियो ना, हर सह सिंह व्लॉग्स ते हर सिफत कौर व्लॉग, ये चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करियो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।